जिला परिषद की त्रिमासिक बैठक में राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर अतिक्रमण हटाने तथा सड़कों तथा वर्षा शालिकाओं की मरम्मत का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि त्रिमासिक बैठक में जिला परिषद सदस्यों द्वारा उठाई गई आम जनमानस की समस्याओं का त्वरित निपटारा सुनिश्चित किया गया, ताकि आगामी त्रिमासिक बैठक से पहले विभागीय अधिकारी इस बारे में लिखित सूचना देना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि 14वें वित्तीय आयोग के अनुसार जिला के सभी खंडों को 52,30,00,000 की राशि जारी की गई है। उन्होंने बताया कि 14वें वित्तीय आयोग के तहत चल रहे विकास कार्यों में गुणवत्ता तथा निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखा जाए, ताकि लोगों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध हो सके। बैठक में जुलाई 2018 में हुई बैठक के दौरान उठाए गए मुद्दों के निरस्त्रीकरण पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही अक्टूबर 2018 तक आय व्यय का अनुमोदन भी पेश किया गया। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम ने भी सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिला परिषद की बैठक में सदस्यों द्वारा उठाई गई विभिन्न समस्याओं के निवारण के आवश्यक कदम उठाएं। जनप्रतिनिधियों का पूरा सहयोग करते हुए ग्रामीण विकास में रचनात्मक सहयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के दिशा निर्देश भी जारी किए। इस अवसर पर जिला परिषद के सदस्यों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक की कार्रवाई का संचालन सचिव जिला पंचायत अधिकारी रमेश कपूर ने किया। रूटीन मीटिंग थी, त्रैमासिक मीटिंग, जिसमें जो मुख्य मुद्दा था वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ही रहा। हर जिला परिषद मेंबर्स का इशू रहा, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है, क्योंकि आप सड़कों का इतना जाल बिछ गया कि हर जगह सड़क तो पहुंच गई, लेकिन सड़क के साथ साथ जो वहां बसेस जो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए थी, उसका बहुत बड़ा मुद्दा रहा। जैसे मुद्रिका बस का रहा, या कई रूट्स ऐसे हैं उनको बाइफ्रेट करने की, जनमंच के माध्यम से उन मुद्दों को उठाया गया। उनको भी आज इस मीटिंग में कुछ एक मुद्दों को रिव्यू किया गया। तो आरएम साहब ने अशोर किया है कि कुछ दिनों में जहां होगा उन रूटों पे बस चलाई जाएगी। इसके साथ साथ कुछ एक रूट्स ऐसे थे कि लगभग वो 5-5 साल से बंद पड़े हैं, प्राइवेट रूट्स, तो उनपे भी हमारे जो माननीय सदस्यगण हैं उन्होंने कहा है कि इस पे या तो एचआरटीसी की बस चलाई जाए, या प्राइवेट रूट्स जिनके पास है, जिनको कैंसिल नहीं किया, उनको कैंसिल करके किसी और प्राइवेट ऑपरेटर्स को इन रूट्स को दिया जाए। इसके साथ साथ आज जो हमारा मेडिकल कॉलेज हमीरपुर है, उसका पीछे 9 अक्टूबर को एक बहुत ही, अब क्या कहें उस मुद्दे को, वो ध्यान में आया, जिसमें मोनिका नाम की एक महिला अपना अल्ट्रासाउंड करवाने हमीरपुर जो मेडिकल कॉलेज है उसमें आई, लेकिन 100 रुपए तो डॉक्टर्स ने ले लिया, लेकिन उसकी रिसीट्स नहीं। जब वो गाइनिंग डिपार्टमेंट में गई तो वहां डॉक्टर ने डिमांड की कि उस रिसीट्स को दिखाओ जो आपने 100, तो उसने कहा भी यार इस रिसीट्स को हमें तो रिसीट नहीं दी है। तो इसके भी ऊपर भी चर्चा की और हमने कहा कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी की जाए। आज की बैठक के यही मुद्दे थे, बाकी तो हर विभाग ने, जैसे पीडब्ल्यूडी थी, आईपीएस थी, उनमें बहुत से जो मुद्दे पीछे उठाए गए उनको पूरा भी कर दिया गया है, और जो पेंडिंग्स हैं उन्होंने हाउस को आश्वस्त किया है कि आगामी दिनों में इनको भी पूर्ण कर लिया जाएगा।